नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और पूर्व मंत्री अमृता रावत कोरोना पॉजिटिव संक्रमण की चपेट में आए। परिवार के सदस्य और स्टाफ के 22 लोग। राज्य में आज सामने आए 53 नए मामले। अंतर्राज्यीय परिवहन के लिए अब पास की जरूरत नहीं। लॉकडाउन खोलने के लिए 8 जून से शुरू होगा पहला चरण। होटल, रेस्तरां, पूजा स्थल और मॉल्स खुलेंगे। कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक नहीं मिलेगी राहत। आईसीएमआर ने कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए राज्यों को दिए एंटीबॉडी टेस्ट शुरू करने की सलाह। मीडिया कर्मियों और सुरक्षा से जुड़े कार्मिकों समेत खास वर्ग की सैंपलिंग पर रहेगा जोर। और उत्तराखंड लौटे प्रवासियों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए प्रयास तेज। चंपावत में बनाया गया स्वरोजगार प्रकोष्ठ। रुद्रप्रयाग में कृषि विभाग ने तैयार की योजना। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उनकी पत्नी पूर्व मंत्री अमृता रावत की कोरोना संक्रमित होने के बाद महाराज समेत 44 लोगों के सैंपल जांच को लिए गए थे। आज शाम महाराज और उनके परिवार और साथ ही उनके स्टाफ के 22 सदस्यों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनमें से कुछ सैंपलों की दोबारा से जांच की जा रही है। महाराज की पत्नी और पूर्व मंत्री अमृता रावत की जांच रिपोर्ट बीती रात पॉजिटिव आने के बाद उन्हें ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया है। वहीं महाराज यहां एक होटल में क्वारंटीन किए गए थे। आपको बता दें, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज दो दिन पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में भी शामिल हुए थे। इससे पहले आज दोपहर 2 बजे तक कोरोना संक्रमण के 53 नए मामले सामने आए थे। इनमें सर्वाधिक 25 मामले देहरादून जनपद के थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट क्षेत्रों से बाहर के इलाकों में प्रतिबंधित गतिविधियां चरणबद्ध तरीके से फिर खोलने के बारे में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। कंटेनमेंट क्षेत्रों में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। नए दिशा निर्देशों के अंतर्गत पहले चरण के दौरान अगले महीने की 8 तारीख से पूजा स्थलों, होटलों, रेस्तराओं और शॉपिंग मॉल्स में लोगों के प्रवेश की अनुमति होगी। दूसरे चरण में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सलाह के बाद स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थानों के खोलने पर विचार किया जाएगा। राज्य सरकारें और संघ शासित प्रदेश प्रशासनों को सलाह दी गई है कि वे संस्थानों और अभिभावकों तथा अन्य संबंध पक्षों के साथ सलाह मशविरा कर नए दिशा निर्देशों के अनुसार देश भर में केवल कुछ ही गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। इनमें अंतर्राष्ट्रीय विमान यात्रा, मेट्रो, रेल का परिचालन, सिनेमा हॉल, जिम, तरणताल, मनोरंजन पार्क, रंगमंच, बार और सभागार तथा अन्य इसी तरह के स्थल शामिल हैं। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और अन्य भीड़ वाले सम्मेलन भी प्रतिबंधित होंगे। तीसरे चरण में स्थिति का आकलन करने के बाद इन गतिविधियों को खोलने की तिथि के संबंध में निर्णय किया जाएगा। नए दिशा निर्देशों में कहा गया है कि दो राज्यों के बीच और राज्य के भीतर व्यक्तियों और वस्तुओं के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इनकी गतिविधियों के लिए किसी अलग अनुमति, अनुमोदन या ई पास की जरूरत नहीं होगी। केंद्र सरकार ने 1 से 30 जून तक के लिए लॉकडाउन के 5वें चरण का ऐलान किया है। इसमें कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में 8 जून से कई रियायतें दी जाएंगी। धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्तरां 8 जून से खुल सकेंगे। गृह मंत्रालय ने अनलॉक 1 से लॉकडाउन खत्म करने की शुरुआत कर दी है, जो 3 चरणों में पूरी होगी। 8 जून से शुरू होने वाले पहले चरण को अनलॉक 1 नाम दिया गया है। अंतर्राज्यीय परिवहन पर लगी रोक को भी हटाया जा रहा है। इसके बाद अब लोग बिना अनुमति के एक से दूसरे राज्य में आ जा सकेंगे। वहीं केंद्र सरकार की ओर से दी जा रही छूट से व्यापार और उद्योग जगत में उत्साह है। इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड का कहना है कि सरकार के फैसले से उद्योगों को काफी लाभ होगा। अंतर्राज्यीय परिवहन पर रोक हटाए जाने से श्रमिकों को आसानी से लाया जा सकेगा, जिससे उत्पादन में तेजी आ सकेगी। मेरा मानना यह है कि कुछ हमें दिक्कतें आ रही थी अपने कामगारों को, जो स्किल मैन पावर है जो दूसरे स्टेट्स में थी या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में थी,
उनको अब लाने में हम लोगों के लिए सहूलियत हो जाएगी, आसान हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि इससे जो है इंडस्ट्री जो प्रॉपरली नहीं चल पा रही थी या हमारे को माल भेजने या लाने में दिक्कतें आ रही थी, वो उन सब चीज़ों को उन दिक्कतों को एड्रेस करने में इससे मदद मिलेगी। और साथ साथ मैं समझता हूँ कि कुछ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ी हैं, उनको हमें जो नए SOPs आने वाले हैं उनको जो है स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अब जिम्मेवारी सरकार ने हमारे ऊपर डाली है कि आपको अपने आप को किस तरीके से बचाना, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। वहीं व्यापार वर्ग ने भी छूट का स्वागत किया है। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का कहना है कि अनलॉक वन में नई गाइडलाइंस से शॉपिंग मॉल होटल रेस्तरां खुल सकेंगे, जिससे काफी लाभ होगा। आगे का भी जो माइंडसेट केंद्र सरकार ने दिया है, ये जो भ्रमण से और आवागमन से और एक दूसरे से की जगह से स्थान से शिफ्टिंग से जो लॉस हो रहा है और ज़्यादातर लोगों को पार्ट टाइम भेजा जा रहा है या पॉजिटिव आ रहे हैं, ये एक सामयिक है। परंतु इससे बिना घबराए हमें अपने व्यापारों को भी व्यवस्थित करना है। अभी दो दिन पहले 7 बजे सवेरे 7 बजे से शाम के 7 बजे तक का समय कर दिया गया, हालांकि ये दरिया दिल्ली से किया गया, बल्कि व्यापारी तो ये चाहता था कि इसे 9 से 5 किया जाए। उसके बावजूद राज्य सरकार ने केंद्र सरकार ने बड़ा मन करके हौसला करके और ये मन भी दे रहे हैं कि आगे आगे वो इसके साथ कोरोना के साथ चलते हुए खुला माहौल बनाएंगे। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने आबादी के बड़े हिस्से में कोरोना संक्रमण की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए सभी राज्यों को एंटीबॉडी टेस्ट शुरू करने को कहा है। एलिसा पद्धति से होने वाले इस टेस्ट का उद्देश्य खासतौर से उन लोगों का पता लगाना है जिनमें कोरोना संक्रमण के बावजूद बाहरी तौर पर कोई लक्षण नहीं दिखते हैं, लेकिन वे दूसरों में कोरोना संक्रमण का कारण बन रहे हैं। ICMR ने राज्यों को खासतौर से उन वर्गों की सैंपलिंग पर जोर देने के लिए कहा है जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है अथवा जो लॉकडाउन अवधि में भी निरंतर बाहर रहे हैं। इनमें विभिन्न रोगों से ग्रस्त लोग, कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोग, हेल्थ केयर वर्कर्स, सिक्योरिटी पर्सनल, पुलिस पैरामिलिट्री, सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स, फील्ड में सक्रिय मीडियाकर्मी, ग्रामीण और आदिवासी आबादी, औद्योगिक श्रमिक आबादी शामिल है। कुमाऊं के नवनियुक्त आयुक्त अरविंद सिंह हयांकी ने आज रामनगर पहुंचकर विभिन्न क्वारंटीन सेंटरों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास करें। साथ ही उन्होंने क्वारंटीन सेंटरों में साफ सफाई रखने, खाने की व्यवस्था को दुरुस्त रखने के निर्देश भी दिए हैं। मंडलायुक्त ने बताया कि कुमाऊं में आ रहे प्रवासियों की टेस्टिंग और क्वारंटाइन सेंटर में रखने की पूरी व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही कोविड के सेंटर भी बढ़ाए जा रहे हैं। कोविड के सेंटर्स को भी डेवलप करना है, जिसके लिए आपको यहाँ जिला प्रशासन ने बताया होगा कि यहाँ पर भी CCC डेवलप करने की प्रक्रिया हो रही है, क्योंकि अब अगर पॉजिटिव के केसेस नंबर बढ़ेंगे तो हर किसी को सुशीला तिवारी वगैरह जैसी जगह पर नहीं ले जाया जा सकता। उनको स्टेज 1 स्टेज 2 तक अभी लोकल लेवल पे मैनेज करने के बारे में भारत सरकार के निर्देश हैं, जिनको सिम्टम डेवलप नहीं होते हैं लेकिन पॉजिटिव हैं। उसी दिशा में अब आपको ने सुना भी होगा कि अल्मोड़ा में, बागेश्वर में, पिथौरागढ़ में, वहाँ भी अब वैसे पेशेंट्स रखे जा रहे हैं जिनको सिम्टम नहीं है, भले वो पॉजिटिव आ रहे हैं। इसलिए अब वैसे कोई चिंता करने की बात नहीं है। इतने क्वारंटीन सेंटर्स और ज़्यादा आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं और CCC और जिलों में डेवलप हो रहे हैं, मैनेजेबल है, अंडर कंट्रोल है। लॉकडाउन के चलते अपने घर गांव लौटे प्रवासियों को रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार कई तरह के कार्यक्रम शुरू कर रही है। सरकार का प्रयास है कि उत्तराखंड लौटकर आ रहे प्रवासियों को रोजगार से जोड़ा जाए। इसी सिलसिले में चंपावत जिला प्रशासन ने स्वरोजगार प्रकोष्ठ की स्थापना की है। प्रकोष्ठ के तहत ग्राम विकास, उद्योग, पर्यटन, सेवा योजन, कृषि उद्यान, बैंक सहित 8 विभागों को जोड़कर एक समूह बनाया गया है। जिले में इसके लिए हेल्पलाइन भी बनाई गई है। चंपावत जिला विकास अधिकारी संतोष कुमार पंत का कहना है कि ऑनलाइन व मैन्युअली सर्वे करके नोडल अधिकारियों के माध्यम से न्याय पंचायत स्तर पर घर लौटे प्रवासियों के कौशल का डाटा तैयार किया जा रहा है। इन लोगों को रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, साथ ही इन्हें स्वरोजगार के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। इसके साथ ही प्रवासियों को हेल्पलाइन नंबर 05965230881 और 8126360465 के माध्यम से भी पंजीकृत कर रोजगार संबंधी विभिन्न जानकारियां उपलब्ध कराई जाएंगी।
मुख्यतः जो है उनका एक तो सर्वे करके उनका डेटाबेस तैयार हो रहा है ऑनलाइन लिंक के माध्यम से, और दूसरा मैनुअली भी किया जा रहा है। इसके अलावा जो जनपद स्तर पे हर ग्राम पंचायत के लिए एक नोडल बनाया गया है, ग्राम पंचायत नोडल, और एक न्याय पंचायत नोडल बनाया गया है न्याय पंचायत नोडल के लिए, उनको भी प्रपत्र दिए गए हैं। और वो भी जो गाँव में जा रहे हैं तो वहाँ के क्वारंटीन सेंटर में या गाँव में जो लोग हैं उनका डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, उनकी शैक्षिक योग्यता और क्या कोई उनका कौशल है उस सबका डाटा भी लिया जा रहा है। और इसके अलावा जो जनपद में जो विकास भवन में कंट्रोल रूम है उसमें एक स्वरोजगार प्रकोष्ठ की भी कल यानी कि 29/5 से शुरुआत की गई है, जिसमें 8 विभाग उसमें रखे गए हैं। रुद्रप्रयाग जिले में लौटे करीब 16,000 प्रवासी अब कृषि बागवानी और पशुपालन के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं तलाश रहे हैं। इसके लिए कृषि ने विशेष कार्य योजना तैयार की है। मुख्य कृषि अधिकारी SS वर्मा का कहना है कि मडवा और चौलाई जैसे स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने पर खास जोर दिया जा रहा है। इसके जरिए बेरोजगारों को स्वरोजगार से जुड़ने के अवसर मिलेंगे। जैसा कि हमारे जनपद रुद्रप्रयाग में लगभग जो है 15-16 हजार के आसपास जो यहाँ के प्रवासी जो है यहाँ पहुँच चुके हैं, उन प्रवासियों के लिए उनकी जमीन पहले से बंजर पड़ी हुई थी तो उसके लिए कृषि विभाग एवं जिला प्रशासन के द्वारा विशेष कार्यनीति तैयार की गई है। हमारा चिन्हीकरण का कार्यक्रम हो चुका है। इस चिन्हीकरण के अंतर्गत जो है कौन सी फसलें होनी है उसके लिए जो है हमारी कार्य योजना बन चुकी है। जैसे कि हमारी बचनसू क्षेत्र है तो बचनसू क्षेत्र में हमारी दो न्याय पंचायत आती हैं, एक पीपली और पौड़ीखाड़। तो पीपली और पौड़ीखाड़ के लिए स्पेशली दलहन क्षेत्र के लिए जो है चिन्हित किया गया है। यहाँ के सभी किसानों को हम दलहन की जो है खेती कराएंगे। उधर उद्यान विभाग भी बागवानी और सब्जी उत्पादन की ओर प्रवासियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से कार्य योजना बना रहा है। पूरे जिले में क्लस्टरों का निर्माण किया है जिसमें सब्जी उत्पादन, कीवी, सेब, कटहल, इस तरह के विभिन्न जो है क्लस्टर बनाए गए हैं। अब उन क्लस्टरों को एल्टीट्यूड के हिसाब से क्रॉप्स का निर्धारण 2-4 दिन में कर लिया जाएगा और इसमें मनरेगा के द्वारा भी जो है कन्वर्जेंस किया जाएगा। वहीं कई प्रवासी युवाओं ने इस क्षेत्र में काम करना भी शुरू कर दिया है। मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था हमारी होती थी लेकिन अब क्या हो गया, लोग बाहर पलायन कर चुके हैं तो पीछे से धीरे धीरे अपने बच्चे अपनी फैमिली को शिफ्ट किए जिससे कि यहाँ पे रहने हमारी कृषि पूरी तरह से नष्ट हो चुकी। हमारे यहाँ पे बहुत सारे युवा कृषि पे कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा पैसा वो कमा रहे हैं। अब सरकार पे डिपेंड करता है कि वो उन लोगों को कैसी बसाने के लिए या उन लोगों को रोजगार देने के लिए कैसी नीतियाँ बनाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं युवा बिल्कुल कर सकते हैं और अगर इसके सकारात्मक प्रयास किए गए, युवाओं ने इसको अपनाया, सरकार ने नीतियाँ बनाई तो हम निश्चित कह रहे हैं जितने लोग हैं वो बिल्कुल वापस नहीं जाएंगे और उनकी देखा देखी जो दिल्ली, बॉम्बे और बाहर लोग हैं वो भी वापस आएंगे, ये बहुत मुश्किल नहीं है। प्रदेश में आज मौसम का मिजाज बदलने से लोगों ने गर्मी से राहत महसूस की। हालांकि मौसम में तब्दीली 28 मई से ही आ गई थी लेकिन बीते शनिवार को मैदानी क्षेत्रों में धूप खिलने से गर्मी महसूस की गई। रविवार को तड़के से ही देहरादून समेत प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में घने बादल छाए रहे। वहीं राजधानी में हल्की बूंदाबांदी भी हुई, अल्मोड़ा में भी हल्की बारिश हुई। पौड़ी में झमाझम बारिश होने से मौसम खुशगवार हो गया तो कोटद्वार में घने बादल छाए रहे। चंपावत जिले में रुक रुक कर हल्की बारिश होती रही। चमोली जिले में हेमकुंड, फूलों की घाटी, रूपकुंड, रुद्रनाथ, वैदनी, बुग्याल, सरीखे ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और हल्की बर्फबारी की सूचना है। जिले के अधिकांश हिस्सों में दिनभर आसमान पर बादलों का डेरा रहा। इस बीच मौसम विभाग की ओर से जारी बुलेटिन में कहा गया है कि राज्य के पर्वतीय क्षेत्र में 4 जून तक हल्की बारिश की संभावना है, वहीं बाकी जगह मौसम आमतौर पर शुष्क रहेगा। उत्तराखंड के समाचारों में इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और पूर्व मंत्री अमृता रावत कोरोना पॉजिटिव। संक्रमण की चपेट में आए परिवार के सदस्य और स्टाफ के 22 लोग। राज्य में आज सामने आए 53 नए मामले।
अंतर्राज्यीय परिवहन के लिए अब पास की जरूरत नहीं। लॉकडाउन खोलने के लिए 8 जून से शुरू होगा पहला चरण। होटल, रेस्तरां, पूजा स्थल और मॉल्स खुलेंगे। कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक नहीं मिलेगी राहत। आईसीएमआर ने कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए राज्यों को दिए एंटीबॉडी टेस्ट शुरू करने की सलाह। मीडिया कर्मियों और सुरक्षा से जुड़े कार्मिकों समेत खास वर्गों की सैंपलिंग पर रहेगा जोर। और उत्तराखंड लौटे प्रवासियों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए प्रयास तेज। चंपावत में बनाया गया स्वरोजगार प्रकोष्ठ। रुद्रप्रयाग ने कृषि विभाग ने तैयार की योजना। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।